Assalamu alaikum everyone, this is Sana Khan. I'm corporate trainer at Enablers Lahore. और आज हम एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं. आपको पता है कि हम पॉडकास्ट में अब सक्सेस स्टोरीज के अलावा सक्सेस स्टोरी बनाने का जो प्रोसेस है, उसका जो जर्नी है, उसमें जो प्रेशर है, जो फेलियर है, जो एक्सेलेंस की एक परसूट है, उसको हम डिस्कस करें. आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे लर्निंग के लिए ई कॉमर्स एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको सीखने का बहुत मौका मिलेगा. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनेबलर्स के हेड ऑफ ट्रेनिंग मिस्टर खुर्रम खालिद. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू, आपने बुलाया और ये मौका दिया कि मैं भी आगे कुछ इसमें इनपुट कर सकूं. किसी टाइम पे मैं उस कुर्सी पे भी था या होता हूँ कभी कभार, तो इस कुर्सी पे बैठ के जवाब देना, सो ये भी एक डिफरेंट फीलिंग है. ऑफ कोर्स. अच्छा, यहाँ पे एक तारुफ तो इनका ये है कि ये हेड ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन जब भी हम कोई भी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी देखते हैं या सुनते हैं, उसके पीछे कोई एक साल का, एक महीने का, एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं होता. इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ कोर्स, और उसमें बहुत सारे बम्प्स भी आते होंगे, बहुत सारे माइलस्टोन्स भी आते होंगे, बहुत सारी स्ट्रगल्स भी होती होंगी. तो आज हम उन्हीं चीज़ों का पोस्टमार्टम करने के लिए सर खुर्रम से सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि सर, ये जो हेड ऑफ ट्रेनिंग्स का लेबल है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये हेड ऑफ ट्रेनिंग बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कि मैं खुद इनेबलर्स का स्टूडेंट था. मतलब वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स के जिसने ई कॉमर्स के ऊपर ये देखा कि अमेज़ॉन पे पाकिस्तान में बैठ के आपने कैसे सेलिंग करनी है. तो इनेबलर्स का स्टूडेंट होते हुए फिर मैंने अपने प्रोडक्ट लॉन्चेस किए. फिर जब मैं प्रोडक्ट में सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लाहौर का ट्रेनर हायर कर लिया गया कि जी मैं लाहौर में ट्रेनिंग्स कराऊँ. वो करते करते जब मेरे स्टूडेंट सक्सेसफुल होना शुरू हुए तो, और हम एक्सपैंड कर रहे थे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, सो वी वांटेड के उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को ही हम ट्रेनर्स बनाएं, बिकॉज ये एक नई चीज़ थी पाकिस्तान के अंदर. ऑलरेडी इसके ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं थे, सो हमने उन ट्रेनर्स को बिल्ड किया और इसको एक चेन बना दिया. फिर मैं लीड एम्बेसडर बना पाकिस्तान का, जिसमें के सारे ट्रेनर्स की टीम मेरे नीचे आ गई. फिर उसके बाद मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग्स बना. सो ये मेरी 3-4 साल की जर्नी है जिसमें मैंने मेहनत की. देखें, एक कोई भी इंसान होता है वो कहता है कि मैं ओवरनाइट कुछ बन जाऊंगा, दैट इज़ वेरी हार्ड. सो मैंने भी वो 3-4 साल लगाए हैं और हर साल उसको बेहतर बनाया, जैसे मैं अपना इनपुट कर सकता हूँ जहाँ पे भी, फ्रीलांसिंग के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, एज अ सेलर बनाने के अंदर, लोगों को एज अ ट्रेनर बनाने के अंदर. हाँ. सो वो सारा मेरा इनपुट रहा इनेबलर्स के अंदर. ठीक है. अच्छा, पॉडकास्ट क्योंकि अब हम थोड़ा सा लाइट नोट पे कर रहे हैं, इनफॉर्मल नोट पे कर रहे हैं, जस्ट टू गिव यू अ होल इनसाइट कि हमारे जो गेस्ट हमारे साथ बहुत नपेतुल अंदाज में बात करते हैं, उनका लाइफ जर्नी है कैसा. तो अभी आई वॉज टॉकिंग टू हिम बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग एंड आई गॉट टू नो कि जब मैं गूगल कर रही होती हूँ हर पॉडकास्ट गेस्ट को, तो ऑब्वियसली मुझे उनके बारे में लिंक्डइन से, फेसबुक से, यूट्यूब से कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिल जाते हैं. लेकिन खुर्रम साहब के बारे में ढूंढना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि ही डजंट रियली हैव अ प्रोफाइल देयर. सो आई गॉट टू आस्क हिम कि ये एक्चुअली में ये जो हेड ऑफ ट्रेनर या उससे पहले ट्रेनर या इवन उससे पहले अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो ही वॉज अ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स में स्टम्बल अपॉन किए कैसे. तो ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल के एक्चुअली में मेजर्स क्या था, फिर उसके बाद एक्सपोजर कैसा मिला और फिर फाइनली यहाँ कैसे लैंड किए, उसके बारे में बताएं. जी मैं ज़रूर बताता हूँ. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मेरी बैकग्राउंड थी, मेजर्स था. तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से मैंने बैंकिंग में गया, कोशिश की कि मैं बैंकिंग कर सकूँ, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं था. फिर देन आई मूव्ड ऑन टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज की मार्केटिंग सेल. सो आईटी किया फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बट आईटी कहीं ना कहीं था कि भाई आईटी के अंदर कुछ करना है, आईटी के अंदर कुछ करना है. सो देन आई मूव टू सॉफ्टवेयर हाउसेज और फिर वहाँ से मैं अपने फैमिली बिजनेस में चला गया कि नाउ आई विल अप्लाई दैट आईटी नॉलेज इनटू माय फैमिली बिजनेस और उसको एक्सपैंड करूँगा. वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तानी मार्केट में तो ऑलरेडी हम चल ही रहे हैं, जो फैमिली उस पर कर ही रही है. सो आई नीड टू एक्सपैंड टू इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में इसको कैसे लेके जाना है, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है. और वहाँ पे मैंने कहा कि ओ अच्छा, इसको इंटरनेशनल ई कॉमर्स कहते हैं, दिस इज़ हाउ यू कैन सेल ऑनलाइन. पता ये चला कि जूते तो बेच ही नहीं सकता ऑनलाइन जाके. तो उसका भी एक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होता है और वो प्रोडक्ट हंट करना है, साइजेस कम होने चाहिए, वेरिएशंस कम होनी चाहिए. फिर वहाँ से उस चीज़ को सीख के थोड़ा सा जर्नी एक आम इंसान से थोड़ा जल्दी शायद वो कवर हो गया टाइम, क्योंकि
पीछे एक बैकग्राउंड था, हाँ, पीछे फाइनेंस का बैकग्राउंड था, पीछे मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, आईटी का बैकग्राउंड था, कॉमर्स का बैकग्राउंड था. सो वो चारों बैकग्राउंड्स मिल के ई कॉमर्स के ऊपर सक्सेस शायद जल्दी मिल गई. अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि मैं आज मैं फिर बार बार शायद पता नहीं 10 दफा ही ना हो जाए ये चीज. मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा कि ओवरनाइट नहीं है ये सब कुछ. लगता ऐसे है कि ये ओवरनाइट है कि ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कल ये था आज ये है. नो तो अच्छा, फिर उसके अलावा जो आपने बात की मैं उसको एड्रेस करूंगा कि आपने गूगल किया या इतना ज़्यादा मैं मिला नहीं, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा हमेशा से शायर रहा और दूसरा मुझे कभी अपनी प्रोफाइल्स अपडेट करने का टाइम ही नहीं मिला. मैं इतना ज़्यादा तेज़ भाग रहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं लिंक्डइन को जाके अपडेट कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और था. मेरा टारगेट ये नहीं था कि मैंने सारी ज़िंदगी नौकरी करनी है, जॉब करनी है. मैंने करना बिजनेस है, मैंने करना कुछ अपना है और मैंने कुछ डिफरेंट करना. मैंने वो नहीं करना जो सब लोग कर रहे हैं. तो इस वजह से वो कभी प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल तो आप तब अपडेट करें कि कोई देख के आपको अप्रोच करके कहेगा भाई जान हमारे लिए काम कर ले. आई डिडंट वांट दैट, आई डिडंट वांट दैट. मैंने इसीलिए यू वर मेकिंग एवरीथिंग इन इन साइलेंस. एग्जैक्टली. और मैंने हमेशा, मैं आपको बताऊं कि आई वर्कड विद स्मॉल कंपनीज. मैंने कभी किसी बड़ी कंपनी के साथ काम नहीं किया अदर देन कुछ बैंक्स तो ऑब्वियसली बड़े ही होते हैं. बट उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अगर मैं किसी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ ना, तो मैं एक छोटे से प्रोसेस का छोटा सा हिस्सा हूँ. यस. सो आई वांटेड कि मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है कि उस लीडरशिप का विजन बहुत बड़ा हो, जो कि मुझे नेबलर्स में, साके बजर में, फैसल अजहर में नज़र आया कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है कि जिन्होंने मुझे सिखाया कि आपने ई कॉमर्स सेलिंग कैसे करनी है. तो उनका जब मैंने विजन देखा कि ये चाहते हैं कि हर बंदे को किसी ना किसी तरह से वो अपनी इनकम जनरेट कर सके पाकिस्तान में बैठ के, सो उस विजन को देखते हुए मैंने कहा ये तो छोटी सी कंपनी है बट इट कैन गो बिग. सो मैं एज अ ट्रेनर ये सोच के आया. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैंने ट्रेनिंग से पैसे बनाने हैं तो मैं ट्रेनर बना. मेरा मोटिव डिफरेंट था. मेरा ये था कि मैंने इस कंपनी के साथ ग्रो होना है प्रोफेशनली, पर्सनली आई वॉन्ट टू ग्रो. तो वो विजन लेके मैं हमेशा चला. लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है. मैंने हमेशा से छोटा भाई सोचा कि मैंने छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है जहाँ पे मैं मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकूँ, जहाँ पे मैं चीज़ें बता सकूँ कि ऐसे इंप्रूवमेंट की जा सकती, हाँ, इस तरह से बेहतर बनाई जा सकती. सो ये मकसद था. अपॉर्चुनिटी एंड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पे ही होता है. Exactly. लेकिन ऑब्वियसली उसको एड्रेस करने के लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए कंपनी में जरूरी है कि लीडर्स का विजन होना चाहिए. यस, ट्रू. सो ऑफ कोर्स सक्सेस स्टोरी तो मेरा ख्याल है कि हम सुनते ही रहते हैं यूट्यूब पे आपकी, लेकिन अदरवाइज हमें नहीं पता था, मुझे खासतौर पर नहीं पता था हैविंग अ चांस टू वर्क विद यू एज अ डायरेक्ट बॉस एंड ऑफ कोर्स एज अ मेंटर. सो मेरा ख्याल है कि ट्रेन द ट्रेनर्स वाला जो एक एक जो विजन है और जो जो वर्क एथिक्स है वो मैंने देखे आप में. तो लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि बैकग्राउंड किस तरह का है, लेकिन मैं हमेशा यही बात रीइंफोर्स करती हूँ सेशंस में, पब्लिक सेशंस में, लेक्चर्स में, लाइव सेशंस में. हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अगर स्टीव जॉब्स वाला कनेक्टिंग द डॉट्स का आइडिया अभी सतपुरम ने दोबारा से एंडोर्स कर दिया कि जब तक ये नहीं है आपके पास, आप प्रोसेस को छोटा नहीं कर सकते. आप उसको स्क्वीज इन करके ये नहीं कह सकते कि मुझे महीने में मेरे पास 10 क्लाइंट्स आ जाए और मेरी इनकम पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर्स में हो जाए. ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता. हाँ, लेकिन आपका अगर फोकस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लेंगे कि नॉलेज और स्किल के ऊपर काम करें एंड मनी इज बाउंड टू कम. सही है. बिल्कुल ऐसे ही है. देखिए, आप हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि मैंने पैसे बनाने हैं, मैंने पैसे बनाने हैं. और जब किसी का भी करियर स्टार्ट होता है ना, तो उसको कहते हैं कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस. तो आप ये कहते हैं ये गलत कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है. असल प्रोडक्ट ही पैसा है. सक्सेस तो है ही पैसा. बट आप अपने आप को परफेक्ट बनाएं, अपने प्रोसेस को परफेक्ट बनाएं, अपनी चीज़ें देखें कि आप कैसे उसको परफॉर्म करें, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं. पैसा खुद से आएगा, वो असल में बाय प्रोडक्ट है. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पैसा आपके पीछे खुद ही आएगा, क्योंकि लोग आपको ढूंढना शुरू हो जाते हैं, भाई आप कहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं. सो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने अपने करियर में ये करना है. देखें, आप पाकिस्तान के अंदर किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने एमकॉम किया है, बीबीए किया है या बीएससी किया है किसी बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि मैं इसी फील्ड में कोई काम करूं. आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके देखें, इंटरनेशनली किसी ने हिस्ट्री में कुछ किया हुआ है, किसी ने इंग्लिश में कुछ किया हुआ है और वो बैंक का सीईओ लगा हुआ है.
मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये बैंक का सीईओ कैसे हो सकता है, इसको तो फाइनेंस की कोई बिल्कुल भी, इसके पास मेजर्स नहीं है, डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आज यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है। सो उसने ढूंढा कि मुझे अच्छा क्या लगता है। मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है अपने काम पे जाना, या मैं उसको एक बर्डन समझता हूँ। जब उसको अच्छा लगता है ना कि आज मेरे पास ये टास्क है, और उसको सोच के खुश हो जाता है, सो वो उसकी सक्सेस है। अगर वो शुरू से जैसे उठा और उसने सोचा ओहो यार आज फिर काम पे जाना है, ये क्या फजूल काम है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो उस मशीन का एक छोटा सा पुर्जा ही रहेगा, वो मशीन नहीं बन सकता, वो खुद से कुछ इनिशिएट नहीं कर सकता। तो इनिशिएट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसका मतलब तो समझे वो है क्या, कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। वो रिस्क लेता है, अपनी जिंदगी में भी रिस्क लेता है। फिर मैं कभी कभार ये कहता हूँ कि हर इंसान रिस्क नहीं ले सकता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटेड रिस्क लें आप, ठीक है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, आपकी फैमिली टू फीड है, यू हैव टू रन योर किचन, यू हैव टू रन योर एक्सपेंसेस। छोटी उम्र में आप किसी तरह से उस तरफ जाना शुरू हो जाए और रिस्क लेना शुरू हो जाए, क्योंकि आपके पास अभी बड़ा टाइम है। एक्सपोजर तो लेना कि ये होता कैसे, ये काम करना कैसे। अगर आप करेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर कितनी मुश्किलें और आसानियां, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। खैर मैं ही बोलता रहूंगा। अच्छा, आपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की बात की, मैं इसके ऊपर वापस आऊंगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एनेबलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर्स की जब हम बात करते हैं, हर इंसान के जहन में आता है इक्वल्स टू वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट जो कि इन्वेस्टर्स को या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके, क्या वो सारी जिंदगी उसको वही करते रहना चाहिए, या उस एक पूरे रट से बाहर निकल के कोई और भी चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए? जब हम कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं, डू यू आल्सो इंक्लूड दैट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, सर्विस प्रोवाइडर में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सर्विस प्रोवाइडर ना बने और आप सारी ज़िंदगी सर्विस प्रोवाइडर ना रहें। सर्विस इंडस्ट्री तो चलती रहनी है और लोगों की ज़रूरत रहनी है। सर्विस तो आपने प्रोवाइड करनी है। बट आप जहन में ये रखें कि मैंने एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि जो काम आ रहा है मैं अकेला करता जाऊँ, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर दैट इनकम विद समबडी, आप उसको एजेंसी के अंदर सोचें। अच्छा, फिर एजेंसी के अंदर भी मुझे थोड़ा सा एक इख्तलाफ ये रहता है कि आप सारी जिंदगी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी नहीं रह सकते। बिल्कुल। अल्टीमेटली यू नीड टू हैव योर ओन प्रोडक्ट्स, चाहे वो सर्विस बेस्ड है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर आप इवॉल्व नहीं करते और आप हमेशा के लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रहते हैं, तो आप उस सर्वाइवल खत्म हो जाए, बॉटलनेक आ जाएगा। 20 एम्प्लॉइज पे, 50 एम्प्लॉइज पे, या सर्टन रेवेन्यू पे बॉटलनेक आ जाएगा, उससे आगे ग्रोथ ही नहीं है। वो ग्रोथ तभी है कि आपका सर्विस प्रोडक्ट है या आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल है, फिजिकल है, कुछ भी है, उस प्रोडक्ट से जो आपने सर्विस प्रोवाइड करते हुए एक्सपीरियंस लिया, वो उसमें जान डाल दें। जब आप जान डाल देंगे, वो चलेगा, तो ग्रोथ है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं है। है 4 साल के लिए, है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद अल्टीमेटली नहीं है। किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 10 साल, ऐसे कर लेते हैं। तो इसीलिए इनेबलर्स ने भी ये कहा कि भाई अब सिंस हमने टेस्ट किया, हमने देखा कि पाकिस्तानी मार्केट में कितना पोटेंशियल है इस वक्त, मेजर इशू कहाँ आता है। देखिए, हम हर वक्त ये ढूंढने की कोशिश करते हैं पेन पॉइंट क्या है। जब हमें पेन पॉइंट मिला, इन्वेस्टमेंट इज द पेन पॉइंट, सो वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में सीधा रास्ता लेते हुए, ये बड़ा ज़रूरी है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप निकाला फॉर पाकिस्तान, कि आप खुद से सेलर कैसे बन सकते हैं और अपनी चीज़ें पाकिस्तान में कैसे बेच सकते हैं। आप इसको कुछ भी समझ लें कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लोग बाहर जाके बाइंग नहीं कर रहे, यहाँ लोगों को कोविड की वजह से बहुत नोहा हो गई है, तो हर बंदा ई कॉमर्स पे बाइंग कर रहा है। कोई ऐसा बंदा आप नहीं जानते जिसने आज तक ऑनलाइन चीज़ नहीं बाय की, स्पेशली डेवलप्ड शहरों के अंदर, या जो शहर बड़े बेहतर शहर हैं उनके अंदर। ठीक है, अगर कोई फार फेस्ट एरिया में, गाँव में रहता है, तो मे बी किसी ने ना किया हो, although they also know about some marketplace, कि यहाँ पे ये क्लिक्स करें तो ये चीज़ बाय कर लें तो घर डिलीवर हो जाती है। तो हमने सोचा भी कि वाई नॉट वी मेक entrepreneurs नाउ, हम इनको सेलर्स क्यों ना बनाएं। ठीक, सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करें, मैंने फिर से कहा कि वो गलत नहीं है, बट ग्रोथ के लिए यू हैव टू बिकम अ सेलर।
वन डे फिजिकल प्रोडक्ट, और सबसे आसान है कि अपनी मार्केट को सीख लें, उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करें, एंड अल्टीमेटली आप आहिस्ता आहिस्ता उसको समझने के बाद आप जाके इंटरनेशनल मार्केट में बेच लें. फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगी बिकॉज यू हैव अर्न सम मनी आउट ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्वेस्ट करें इंटरनेशनल मार्केट में और सेल कर सकते हैं आप, जाके ब्रांड बिल्ड करें और जाके बाहर सेल करें उसको. ये मकसद है. अच्छा, ये तो सारी बातें मैं अगेन, मेरा ख्याल है हम इस कीवर्ड को बहुत यूज़ करें, लेकिन बिकॉज द हेड ऑफ ट्रेनिंग इज विद मी, सो हम ट्रेनिंग के डोमेन के जो लोग हैं उनका काम है कि रीइंफोर्स करें कॉन्सेप्ट को. तो हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जी कुछ हो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनके लिए हम दोनों का मैसेज अगेन एंड अगेन यही है कि ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है. सो यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रोसेस, यू हैव टू जस्ट बी कंसिस्टेंट. माइंडसेट जो है उसको ग्रोथ वाला रखें, किताबें पढ़ें, जो मैं हमेशा कहती हूँ एंजेला डकवर्थ की बहुत अच्छी किताब है ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, कैरल ड्वेक ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है. ये दो ऑथर्स मैंने आपको बता दिए, हमारी पॉडकास्ट देखने के बाद इनको यूट्यूब कीजिएगा. सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हज़रत अली का कॉल है कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है आप सीधे रास्ते पर नहीं जा रहे, अगर आप हक पे हैं तो आपके दुश्मन होंगे, ऐसे लोग होंगे जो रेजिस्ट करेंगे, जो अपोज करेंगे उस आइडिया को. एनेबलर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को जो बहुत सी शिकायत हैं, उन शिकायत को हम यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं. ये जो बीच में कम्युनिकेशन गैप उनको महसूस होता है या उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी कोशिश हर वक्त मैं आपको बताऊँ, सुबह से शाम रात तक, इवन के रातें भी गुजर जाती हैं, कि हेड ऑफ ट्रेनिंग्स बनाने का मुझे या मुझे बनने का क्या मकसद था, क्या हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सके, हम अपने प्रोसेसेस को और बेहतर बना सके, हम कोई भी एक कंप्लेंट इशू नाराज किसी को ना रहने दें, जहाँ पे कोई कंसर्न आता है हम उसको पकड़ के और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें. उसके लिए हम हमेशा से ये बार बार कहते आए कि हम एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी हैं, हम स्टूडेंट सेंट्रिक कंपनी हैं. हम ये नहीं कहते कि हमने हमारा ट्रेनर ठीक है उससे ठीक, हम कहते हैं जो स्टूडेंट हमने हमेशा ये कहा जो स्टूडेंट कह रहा है वो ठीक कह रहा है, सो हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज, इसी को जहन में रखते हुए हम हमेशा से अपने पुराने स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं. जब हम नए स्टूडेंट की बात करते हैं कि जी हमने नए स्टूडेंट किस तरह से लेके आने, हम कहते हैं कि यही चीज़ हम पुराने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करेंगे. उसमें कम्युनिकेशन आ जाए, आपको पता है सिंस आप कम्युनिकेशन डील कर रही हैं, उसमें कोई भी एक ऐसा स्किल आ जाए जो हमने कमिट ही नहीं किया था कभी उनके साथ कि हम करवाएंगे. एक छोटा सा कोई कोर्स करने आया, उसकी अमाउंट 10,000-15,000 है, हमने उसको कहा कि हमने $150 का EVS भी आपको दे दिया और प्लस हम इस स्किल को और बेहतर बनाएंगे और स्किल्स आपके फेसबुक ग्रुप के अंदर दे के जूम सेशंस करवा के उस स्किल को बेहतर बनाते. तो हमारी हर वक्त ये कोशिश है कि ना सिर्फ नई आने वाले लोग बल्कि जो हमारे साथ ऑलरेडी हम पे एतबार करके हमारे पास आए हैं हम उनके स्किल सेट को भी बेहतर बना सकें. हम 100% सक्सेस रेट नहीं दे सकते, दुनिया में कोई नहीं दे सकता 100% सक्सेस रेट. उसमें हम हर कोई 50% दे सकता है, कोई 70% दे सकता है, कोई 80% दे सकता है, क्योंकि वो 20-30-40-50% लोग रिमेनिंग जो है जो सक्सेसफुल नहीं है वो ये सोच के आए थे क्विक रिच स्कीम है, जो कि ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है. दे डिडंट रिमेन कंसिस्टेंट, वो परसिस्टेंट नहीं रहे, उनके पास पेशेंस नहीं था. They also didn't realize कि it's a two-way street. It's a two-way. आप ट्रेनर या जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते सीखने पे. Exactly. We can only motivate, we can only facilitate with the right resources. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कि हम जितना हो सकता है, और आज भी हम कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि हमने पहले दिन से सपोर्ट का टैब बनाया है enablers.org/support, वहाँ जाओ, वहाँ जाके कोई इशू है आप लिखें, वो नहीं रिजॉल्व होता तो आप जाके कहें कि जी इन्होंने मेरा इशू रिजॉल्व नहीं किया. हम तो हर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने क्वालिटी एश्योरेंस हर डिपार्टमेंट को, सर्विस क्वालिटी, क्वालिटी एश्योरेंस, हम तो हर वक्त उन प्रोसेस को बेहतर बना रहे हैं कि वॉर के अंदर कोई बच्चा बैठा है, हमारा कोई पेड स्टूडेंट है, कोई वैसे मेंबर है सजेशन दे रहा है, सो वी कीप ऑन इम्प्रूविंग. इम्प्रोवाइज करना देखें दुनिया में बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हम कहें कि वो ही प्रोसेसेस चलते रहें, वैसे ही हम चलते रहें, तो आप ये कहें कि गाड़ी का नया मॉडल क्यों मार्केट में आ जाता है, किसी भी चीज़ का नया मॉडल क्यों आ जाता है, उसका मकसद यही है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, तो हम भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. मैं हमेशा वॉर के अंदर भी जाके ये कहता हूँ कि देखें हमने ये मॉडल
कुछ देर पहले स्टार्ट किया, ट्रेनिंग कराते हुए हमें कुछ अर्सा हो गया, हम उसको मैच्योर कर गए हैं काफी हद तक, बट दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस, वी आर ऑल्सो लर्निंग। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई इशू आता है उसको ASAP रिजॉल्व करें और उसका एक प्रोसेस बिल्ड कर दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारा साथ दें, हम किसी ना किसी जगह पे आपको भी पहुंचा देंगे और इस नए प्रोजेक्ट को भी इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। हां, गिवन द फैक्ट कि आप सिंसियर और लॉयल रहें और कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंट और टाइम देते रहें इफेक्टिवली और माइंडफुली। देखिए, ये जो लॉयल और आप साथ रहें, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई इनेबलर्स को कुछ कहता है तो दैट मींस वो आपको गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इनेबलर्स को चूज किया, तो दैट मींस कि आपने भी खुद को डिफेंड करना है। दैट मींस आपने इनेबलर्स को डिफेंड करना है कि भी मुझे पता है कि मैं तो पैसे बना रहा हूँ भाई, मैं तो एक इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मैंने तो एक नया स्किल सीखा जिसका पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था कि ये स्किल एग्जिस्ट करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन उस स्किल को लेके आई, लोगों को बताया, उससे बहुत से लोगों का घर चल रहा है भाई, देयर मेकिंग अ लाल इनकम आउट ऑफ दैट। और हम कहें कि नहीं ये गलत है ये इदारा का, तो दैट मींस के वो जो 20-30% हमने नहीं सक्सेसफुल बनाया तो वो आके कुछ भी कह दें तो ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सही है, सब ये है। अच्छा, टाइम हमारी यूजुअल पॉडकास्ट से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक आखिरी कमेंट मैं आपका लेना चाहती हूँ, क्योंकि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ डील कर रहे हैं, अगर ई को निकाल दें तो कॉमर्स है जी, विच मीन्स इट इज अ बिजनेस, एंड विच मीन्स के जो यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे उसको सीखने के लिए उनको बिजनेस की बेसिक्स की नो हाउ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आप रीडिंग के या रिसर्च के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसी मैं तो ये कहता हूँ कि रीडिंग रिसर्च जो है उसका लोगों के अंदर अब वो पेशेंस कम हो गया। वो क्यों कम हुआ है उसकी वजह देख लेते हैं कि रील्स, स्टोरीज, टिकटॉक, शॉर्ट वीडियोस, इस चीज़ ने हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत शॉर्ट कर दिया। हम अब कोई मूवी 2 घंटे की नहीं देख सकते, हम कहते हैं वही चीज़ तो मुझे टिकटॉक में 2 मिनट में नज़र आ गई, 1 मिनट में नज़र। पहले हम रेसिपी खाने पकाने की देखते थे 1 घंटे की, अब हम क्विक सी रेसिपी देख के वो खाना बना लेते हैं 3 मिनट में। हम कहते हैं भी हर चीज़ इतनी ज़्यादा शॉर्ट होती जा रही है, तो आपने उससे बाहर निकलना है। मैं पहले भी वो एक दिन व्लॉग बना रहा था अजीब, तो उसने कहा कि लाइफ सेविंग टिप, मैंने कहा लाइफ सेविंग टिप तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक टिप है कि डिस्कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड, स्क्रीन से कट ऑफ होए और फिजिकली भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि भाई फिजिकल दुनिया में क्या हो रहा है। आप हर वक्त अगर डिजिटल रहेंगे, आपकी उंगली किसी दिन ऐसे हो जानी है जो ऐसे करती रहेगी कि आपकी वीडियोस ये पसंद नहीं आ रही, अगली लगा रही, ये पसंद नहीं आ रही, अगली लगा। तो रीडिंग को भी हम ऐसे ट्वीट करने लगे, नहीं पसंद आ रहा, नहीं पसंद राइट लेफ्ट वाला या ऊपर नीचे। सो आप, यू हैव टू रीड, यू हैव टू डू रिसर्च, उसके बगैर आप बेकार है। आप कुछ भी नहीं है, यू नथिंग। आप अगर आपका एक स्किल आ गया, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं रोज कोई ना कोई चीज सीखता हूँ। कोई ऐसा दिन मैं नहीं जाने देता कि मैंने कोई चीज़, और हर इंसान, मेरा ख्याल है कि जो, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन सक्सेस के पास भी है या कुछ भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है चले, वो उसको और बेहतर बनाना चाहता है। अगर वो उसको बेहतर नहीं बनाएगा, अपना नया मॉडल नहीं निकालेगा, तो वो पास नहीं है, फेल है। बिल्कुल, आई थिंक ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और शायद आखिरी चीज टूलकिट में यही है कि आप अपने ही स्किल्स को ब्रश अप करते रहें। yes. और अपडेटेड रहें जो भी नॉलेज आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसी। बहुत 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 अच्छे टेक अवेज हमें मिले अगेन, और मैं ये चाहूंगी आप लोगों का टेस्ट लेना कि आप लोगों ने हमारी बातें कितनी गौर से सुनी है। तो वीडियो के आखिर में जो समराइज मैं करती हूँ वो मैं आज भी नहीं करूँगी, बल्कि आपसे कहूँगी कि आप वीडियो देख के नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी। एक और पॉडकास्ट के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।